जो लीडर होता है सर, उसका उसका काम होता है ऑर्डिनरी आदमी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम लेना। तो आपका काम होता है किसी आदमी को मोटिवेट करना कि भाई आप यू कैन डू इट, आप ऐसा काम कर सकते जो किसी ने नहीं किया। मेरा नाम अनिल चंदेल, मैं ठियोग से बिलोंग करता हूँ और यहाँ शिमला में ही हम पढ़े और यहीं पे बड़े हुए हम, यहीं पे हमारी एजुकेशन हुई सारे। हम जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेज वगैरह में पढ़ते थे तो उस टाइम मेरे को एक मन में एक चीज़ रही कि मैंने यहीं पे सेटल होना है। तो उस दौरान सारे लोग जो है सक्सेस के लिए बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर इस साइड को जा रहे थे। मेरे माइंड में ये था कि यहाँ पर टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है। कोई भी एक्सेप्शनल जो वर्क होता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क होता है, तो सोसाइटी में पहले उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो इस जगह को काला पहाड़ बोलते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से कोई नीचे भी नहीं देख सकता था, इतना खतरनाक जगह थी ये। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लगी कि यहाँ पे कुछ बन सकता है, तो लैंड परचेज कर ली 2001 में। तो उस टाइम महीने दो महीने बाद ही एक चीज़ रियलाइज हो गई कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और फिर लाइफ में ये सोचा कि कहाँ तक एक काम को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, अब मैं यहाँ सक्सेस होऊंगा या फिर कुछ भी डेस्टिनी को जो मंजूर होगा। और जब वर्क शुरू किया तो लोग आते थे तो मेरी मजाक उड़ाते थे, किसी से क्या कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे एक हिसाब से हैरानी होती थी कि लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, इट कुड बी बिल्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ऊपर वाले ने ऐसी नज़र दी होती कि आपको कभी डाउट ही नहीं होता। एक पेड़ है, थोड़ी सी जड़ें होती कहाँ तक उसकी एक्सटेंशन हो जाती है। तो उस हिसाब से आई रियलाइज कि भाई अगर आपके पीछे स्ट्रेंथ पूरी है, रॉक में स्ट्रेंथ पूरी है, तो आगे आपके चाहे क्लिफ है चाहे कुछ भी नहीं है। जब वो जियोग्राफिकली वो फिट है या उसका स्ट्रेंथ पूरी है तो इट विल सस्टेन। पहले इसका इसका प्लॉट को डिवेल्प किया गया, उसके बाद इसका मैप अप्रूव हुआ 2005 में। तो उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ। तो उस टाइम जब यहाँ सेटलमेंट हो रहा था तो ये अंग्रेज़ों के टाइम इस जगह का नाम जो है एमसी के मैप में रॉकी नॉब, रॉकी नॉब मतलब रॉकी पोर्शन। तो फादर ने ये रिकमेंड किया कि इसका नाम रॉकी नॉब ऑलरेडी है तो इसका रॉकी नॉब ही नाम रखते हैं। ये चीजलिंग वर्क से ही बना है सारा, अड्डू और जिसको बोलते हैं घन, उसी से ही कट के बना हुआ है। इसमें इवन जब्बल का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हुआ। बचपन से जो चीज़ें मुझे पसंद आई वही मैंने इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी इसमें। मैं अपने नाना जी के घर जाता था, उनका हाउस मुझे पुराने स्टाइल में बना हुआ बहुत अच्छा लगता था। जैसे हार्डकोटी टेम्पल है वहाँ पे, वो जो पत्थर का टेम्पल पांडवों के टाइम का बना हुआ बड़ा अच्छा लगता था। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें वर्क शुरू किया, हमारे पहाड़ का जो आर्किटेक्चर है उससे काम की शुरुआत की सबसे पहले। ठोक से लाया है अपने घर से, ट्रेडिशनल डोर है, नाना जी के घर से लाया है। ये हमारा हिल आर्किटेक्चर का ट्रेडिशनल डोर है। इसमें ये भी अंदर से इसको इसको अगल बोलते हैं, ऐसे करके इसमें। ये जो है हमारे हिमाचल का कल्चर है, इसमें ये जो है किन्नौर का आर्ट है सारा। इसको बनाने में 3 मंथ्स लगे और ये इसमें ये चंबा का गद्दी जो कल्चर है उसके ऊपर ये बना हुआ है। 90% मेरे पास ट्राइबल आर्ट है इसमें बनाया हुआ, जो एक नेचुरल प्रोसेस में लोगों ने, ट्राइबल पीपल्स ने लिया है। इवन इसका जो ये किनारे का है, जितने छोटे छोटे टापू है वहाँ पे छोटे छोटे कल्चर है, उन सबका आर्ट इसमें डाला हुआ है।
सारे कंट्रीज को, छोटी छोटी कंट्रीज को कवर किया है, और तकरीबन 1000 से ऊपर टापू है। जॉर्जिया का है, ये क्रोएशिया का है, ये बर्मा का है, ये कांगो का है, ये फ्रांस का है, ये जापान का है, ये मेक्सिको का है, ये हमारे इंडिया का है, दुर्गा माता, ये इजिप्ट का है, और ये जो है मैसेडोनिया का है। इसमें ये जो है ये इराक का है। तो एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी आदमी जो है वो प्रोफेशनल नहीं था। वो सारे कारपेंटर, कोई कारपेंटर थे, एक तो मेरे आर्टिस्ट है, पढ़ा भी नहीं हुआ ज़्यादा, जिसने मैक्सिमम इसमें कलर वगैरह का जो है आर्ट वर्क किया है मैक्सिमम। तो धरत मात मेरी झोपड़ी, आकाश गंगा मेरा गांव, पूरे गुरु के शिष्य हैं, बिल्लू बादशाह मेरा नाम। सबसे पहले मेरा बार्सिलोना ऊपर लिखा होगा आपने, वो तैयार करा था। उसके बाद जितनी पेंटिंग है सरिया होटल के अंदर, वो मेरी आज की है। इसकी एक खासियत है कि वो उसके दिमाग में एक ऐसी चीज आई, जब इसको बना रहा था उसने रंग करके इसमें पीछे से जो है छुरी से इसमें धारियां मार दी, उससे ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रही थी, इसलिए उसके हिसाब से ये क्रिएटिवली एक यूनिक पीस बन गया। ये लाइटिंग वर्क है, इसके अंदर पीछे से लाइटें जलेंगी तो इसका प्रभाव दिखेगा। बाकी है ये लग देश का बोझ, ये लग का है, ये इधर का लग है, सारे सब्जेक्ट लग इसके अंदर फिट करके 4x12 का ग्लास तैयार कराए। आई रियलाइज कि भाई ये इनका ट्रेंड ना होना ही मेरी एडवांटेज है। उनका माइंड ब्रॉड हो गया कि भाई जो भी ये बोल रहे हैं कि वो ठीक बोल रहे हैं, नहीं तो कोई क्वेश्चन करता है ना एक्सपर्ट आदमी कि भाई नहीं ये कल का बच्चा ये कैसे खाएगा ना। तो उस हिसाब से धीरे धीरे वो भी ट्रेंड होते चले गए और हम भी एक्सपर्ट होते चले गए। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था कि भाई एक हिसाब से मैंने उनको सिखाया, उन्होंने वर्कर्स ने मुझे सिखाया, तो साथ ही एक हिसाब से हर एक पीस में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है और हर एक पीस में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमें तो यार इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, बाकी है फिर जो इन्होंने कहा पामाई हर के लेखे, जिन्हें नहीं किया वो करके देखे, कर दिया। बहुत जी ड्रैंग देते हैं, ड्रैंग की गहराई में जाना पड़ता है, किस आर्टिस्ट ने आज से हजारों साल पहले हमारे से जो आदर्श रहे उन्होंने भी गॉड गिफ्ट थी उनके पास, तो वैसे आड़े तेरे टच है, तो ये चीज़ है इसके अंदर ऐसे टच मारे हैं। तो मेरे को खुद नहीं पता कि क्या बन गया, तो ये समझने वाले की समझ है कि वो जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि से देख ले। कलाकार तो बना ही देता है जाने अनजाने में। तो इसमें सेंटर में जो ये डिजाइन है ये मेरे, मैंने सबसे पहले जो जब मैं डिजाइनिंग शुरू की तो सबसे पहले मैं फ्रैंक लॉयड राइट जो एक 21st century का जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रहा, तो उसके डिजाइन से ये बनाया हुआ है। छोटी सी चेयर ये जो चेयर है ये मैंने खुद डिजाइन की है, ये भी मेरा अपना डिजाइन है, अरेबियन से इंस्पायर्ड है, बट इसके जो ओरिजिनल डिजाइन है कुछ एक पॉलिनेशन है कुछ इसमें अपना अरेबियन इंफ्लुएंस। ये जो है ये रोमन एम्पायर का उनकी जो पॉटरी होती थी जो मिट्टी से बनती थी उस आर्ट को हमने यहाँ पे वुड में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये ट्रेडिशनल आर्ट है, काफ़ी पुराना आर्ट है। टाउनशिप पेंटिंग है, वुडन पे हो रखी है, आधे रंग है आदि वुडन है। एक होटल का बीम है, बीम तोड़ के आधा राउंड फिगर करके ऊपर जो आप देखो वो ट्रक की गियर बक्से का इस्तेमाल करा, ये लेंटर डालने वाली पजरी के पत्थर का इस्तेमाल करा। ये नेचुरल रॉक है हमारे प्रॉपर्टी में, इसमें ये जो है स्पेन का जब
आदि मानव जब गुफा में रहता था तो उस टाइप का जो उन्होंने बनाया है उसी को यहाँ पर रेप्लिकेट किया हुआ है। ये स्पेन का है, ये जो नीचे वाला है ये जो है लैटिन अफ्रीकन कंट्रीज का है, और ये जो साथ में यहाँ दिख रहा है ये अफ्रीकन कंट्रीज का है। तो जो भी गुफाओं का आर्ट है जिसको रॉक आर्ट रॉक पेंटिंग्स बोलते हैं वो इसमें रिप्रेजेंट की हुई है। ये रॉक पेंटिंग तैयार करी है बाबूजी की देन से, इतनी चितान सख्त थी कि मेरी बाजू भी रुक गई थी शनी दौड़ा चलाते हुए, और बाबूजी ने विश्वविहार खर्चा करके इस बाजू का इलाज कराया, तब ये हाथ चल रहा है। जब तक चलेगा तो काम के ऊपर बाबूजी भी चलेगा। हमारी जो जनरेशन थी वो गांव से आई थी, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने गाँव में देखी थी, बट जो न्यू जनरेशन है शहर की है या ये है, ये शहर में ही पैदा हुई, तो इनके लिए ये एक नई चीज़ होगी। जैसे फैशन घूम के वापस आता है तो आई रियलाइज कि भी ये चीज़ आज की डेट में अप्रिशिएट होगी। तो मेरे जितने भी वर्कर चाहे नेपाली थे चाहे मेरे आर्टिस्ट है, ये इन्होंने कभी भी आर्ट वर्क नहीं किया था लाइफ में। करते करते भी ऐसे जड़ मत होते से जान, अभ्यास करने से हर इंसान कहीं का कहीं पहुँच सकता है। हमारे प्रॉपर्टी में वर्ल्ड में जितने भी टाइप के जितने वैरायटी के जो ट्रेडिशनल मास्क हैं फिर उसको हमने पूरा कवर किया हुआ, तकरीबन 100 से ऊपर आपको वर्ल्ड के मास्क यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसर्च वर्क शुरू किया या बनाना शुरू किया तो मेरे पास कारपेंटर्स थे, तो लकड़ी का काम करते 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 बिकम एक्सपर्ट्स। तो फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि हमारा जो मेन पॉइंट है वो वुडन आर्ट है। तो फिर हमने जो भी वुडन आर्ट वर्ल्ड में ट्रेडिशनल जो भी था उसको हमने वुडन में उसको कन्वर्ट किया। मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं था, आर्किटेक्ट भी नहीं था, तो ये एक इनोसेंटली बनी हुई चीज़ है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो इसमें इतना ज़्यादा है कि आपको 10-15 मिनट की एपिसोड में हम बता नहीं सकते, बिकॉज इवन आर्ट ही इसमें 2-3-4 कंट्रीज़ का है, और उन कंट्रीज़ में जितना भी वैरायटी है तकरीबन सारा है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तब भी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। दूसरी बात ये है कि ये इतने क्लिफ पे बना हुआ है कि इतने एज पे मेरे हिसाब से कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई, तो आपका जो एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा वो एक अलग टाइप का ही होगा जब आप यहाँ पे विजिट करोगे। सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, शुरू में लोग ये सोचते थे पता नहीं डेंजरस चीज़ है, कैसे बन रही है क्या नहीं। तो आज की डेट में सब लोग प्राउड महसूस करते हैं कि कोई एक अच्छी चीज़ शिमला शहर में बनी है। तो कोई भी अनकन्वेंशनल काम करना हो तो आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे फिर जब लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि भी नेम फेम के लिए भी फिर आपको शौक नहीं रहता, आप वैसे सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसलिए यंग जनरेशन को मैं यही बोलूँगा कि अपने ड्रीम को फॉलो करो, तो इतना इंटेंसली फॉलो करो कि आप प्रोसेस में पूरी तरह डूब जाओ। तो एक हिसाब से वही आपकी जिसको बोलते हैं सक्सेस का रास्ता है।